अब हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है, ये सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करके दे रही हूँ, और ये सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, तो इनमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी पैराग्राफ्स हैं, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी पैराग्राफ्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी ग्रामर पोर्शन है, जो कुछ भी है, इनको आपने मस्ट है, ये आपने ज़रूर करके जाना है। तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, दिस इज़ माय प्रेयर टू दी माय लॉर्ड, स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्यूरी इन माय हार्ट। ये बार बार आ रहा है, इसको आपने ज़रूर करके जाना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आई थिंक मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब एक बार फिर से बता देती हूँ कि वो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वो अपनी प्रेयर कर रहे हैं भगवान से कि वो मांग रहे हैं कि मुझे कभी भी इस लायक, इस तरह का मत बनाना कि मैं कभी किसी की हेल्प ना कर सकूं। वो चाह रहे हैं कि जोर से वार करो। कहाँ वार करो? पेन्योरी मींस पावर्टी, जो लैक ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, मींस जो मैं कुछ भूल गया हूँ भगवान को याद करना, उनके लिए कुछ भी अच्छा करना या लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, वो मैं भूल गया हूँ, उस पर जोर से वार हो। दी, ये आर्काइक इंग्लिश में मींस ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ये वर्ड बोला जाता था, दी, यू के लिए दी बोला जाता था, यू मतलब तुम। तो वो भगवान को कह रहे हैं, आप मेरे ऊपर जोर से वार करो ताकि मेरे अंदर की सारी गरीबी ख़त्म हो जाए। गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बियर माई जॉयज एंड सोरो, मैं इक्वली बिहेव करूँ, मैं बिल्कुल इक्वली ट्रीट करूँ, चाहे मैं कितना भी खुश हूँ या कितना भी दुखी हूँ, लेकिन मैं हमेशा इक्वली रहूँ, हमेशा एक जैसा ही बन के रहूँ। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, ये माइटेड विंग बार्ड अधूरी सत्यावती देवी की ओर से लिखा गया है। उन्होंने क्या बताया है कि व्हेन आई कंज्यूम टाइम टिमिडली सर्कलिंग राउंड लाइक अ स्पाइडर एंड फेसिंग ह्यूमिलेशंस लाइक अ कैटरपिलर। यहाँ पर जो पोइटेस हैं, उन्होंने क्या यूज़ किया है कि सिमिलीज यूज़ किए हैं। सिमिलीज जो कि डायरेक्ट कंपेरिजन होता है, डायरेक्ट तौर पर हम किसी से तुलना करते हैं, तो मेटाफर होता है जो इनडायरेक्ट कंपेरिजन होता है। यहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन किससे किया, स्पाइडर एक मकड़ी से, कैटरपिलर जो वो छोटी सी जो बाद में बटरफ्लाई बन जाती है। ह्यूमिलेशन मींस बहुत एम्बेरसिंग स्टेटमेंट, मींस कि उन्हें बहुत शर्म आती है जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं। कैटरपिलर भी अपने पीछे वाली जो, जब वो बटरफ्लाई बन जाती है तो वो अपनी पीछे वाली लाइफ को नहीं देखना चाहती कि वो पहले कैटरपिलर थी बिल्कुल ही छोटी सी और बाद में इतनी अच्छी इतनी सुंदर बटरफ्लाई बनी है। मींस पास्ट में जो कुछ भी बुरा हुआ उसको याद नहीं करना चाहते हैं हम लोग। कैटरपिलर भी अपने पास्ट में, जो बटरफ्लाई है वो अपने पास्ट में कैसी थी, किस तरह चलती थी, वो नहीं याद करना चाहती। ऐसी पोइटेस है वो पास्ट में जो जिन चीज़ों को उसने गलत किया, कुछ भी ऐसे एम्बेरसिंग स्टेटमेंट में वो गई, सिचुएशन में वो गई, वो उनको याद नहीं करना चाहती। वो उसे ऐसा लगता है कि जब मैं टाइम वेस्ट करती हूँ इधर उधर, अपना टाइम ऐसे ही आलस में इधर उधर किसी से बातें करके वेस्ट करती हूँ, तब मैं अपने रास्ते से भटक जाती हूँ। लेकिन फिर वर्ड्स ही हैं जो मेरा सहारा बनते हैं, ये अपने आप में एक स्कूल बन जाते हैं। इट गिव्स हर लर्निंग एक्सपीरियंस, कि वर्ड्स जो हैं वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे शब्दों के तौर पर वो यूज़ करती जाती है अपने वर्ड्स को, पोइट्री को, अपनी क्रिएटिविटी को, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने सब कुछ पा लिया है, वो इसी में ही अपनी जीत को मानती है। तो ये अपने आप में एक स्कूल बन जाता है, वर्ड्स जो हैं वो अपने आप में एक उसके लिए स्कूल, एक लर्निंग स्टेशन, एक लर्निंग जो सिचुएशन है वो बन जाती है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, स्पोकन इंग्लिश ब्रोकन इंग्लिश से लिया है, रिटन बाय शाह बर्नार्ड शाह। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि हमारे कंपनी मैनर्स, होम मैनर्स अलग होते हैं। चाहे हम जब हम घर पे होते हैं तो हम कैसे भी बात कर लेते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बाहर होते हैं, कंपनी में होते हैं, फॉर्मल सिचुएशन में होते हैं, तब हम वैसे बात नहीं कर सकते। इफ़ यू आर नो कॉल ऑन अ स्ट्रेंज फैमिली, वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी घर में जाओ, वो कह रहे कि ये मैनर्स नहीं होता कि किसी की होल से आप उनके अंदर की बातें सुनो, उनके अंदर क्या चल रहा है वो देखो, ये एक अच्छे जेंटलमैन की, एक लेडी लाइक की मैनर्स नहीं है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, अगर आप इतना ज़्यादा एंथुसियाज्म, इतना जोश है आप में कि आप अच्छे से लैंग्वेज को स्टडी करना चाहते हो, कम्युनिकेशन को स्टडी करना चाहते हो, बोलचाल को स्टडी करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि किस तरह के मैनर्स होने चाहिए बाहर के या अंदर के, तो आप देखो
कि अगर आप की होल से, कोई छोटे से होल से, कोई छोटा सा छेद हो दरवाजे में, उसमें आप देखो कि लोग जो है वो किस तरह से अपने घर में बिहेव करते हैं, कैसे वो बात करते हैं, और जब आप उनके घर में जाओ तब वो आपसे कैसे बात करेंगे, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी जो मैनर्स है, उनकी जो टॉकिंग स्टाइल है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। तो यही बात वो बताना चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा परफेक्शन जैसा नहीं होता है, सब कुछ टाइम के साथ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर से लिया गया है, क्या हुआ था कि अनाउंसमेंट हुई थी प्रेसिडेंट लिंकन की तरफ से कि सारे ब्लैक स्लेव्स जो हैं, जो कि ब्लैक लोग हैं, उनको जो दास बना के, नौकर बना के रखा जाता है अमेरिका में, उनको फ्री कर दिया जाता है। उनको अब अमेरिकन आर्मी में रिक्रूटमेंट, वहाँ पर जॉब करने की, नौकरी करने की आज़ादी दी जाती है। ये उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन उसके 100 ईयर्स के बाद भी ये अनाउंसमेंट सिर्फ अनाउंसमेंट के तौर पर ही रह गई थी, कागजी कार्रवाई के तौर पर रह गई थी, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुई थी। तो वो उम्मीद करते हैं मार्टिन लूथर किंग, वो अपनी स्पीच में बताते हैं कि अभी आज तो वो टाइम नहीं आया है जब सब कुछ इक्वल हो गया है, हमें समान अधिकार मिल गया है, हमारे पास सब कुछ आ गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन मैं वापस जाऊँगा, साउथ जाऊँगा, द होप वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डेस्पेयर। एक दिन हम उम्मीद की किरण बनकर, एक खुशबू बन के, चाहे डेस्पेयर ये बहुत निराशा की, निराशाजनक सिचुएशन है, बहुत ही निराशा का टाइम है, लेकिन फिर भी एक दिन मैं एक ऐसी खुशबू बनकर आऊँगा, एक ऐसा उम्मीद की किरण बनकर आऊँगा जब सब कुछ चेंज हो जाएगा। वो कह रहे कि ये जो खड़खड़ाने और झगड़ा, झगड़े की आवाज़ें हैं, डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़ा और जैंगल मीन्स खड़खड़ाना, ये जो ऐसी हमारे बीच में वाइट ब्लैक्स की ये जो झगड़े की आवाज़ें आती रहती हैं, एक दिन सिम्फनी मीन्स लंबी संगीत रचना, एक दिन ये भाईचारे की एक बहुत लंबी संगीत रचना बन जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई टाइम आएगा जब हम इकट्ठे काम भी करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। वो इसी उम्मीद के साथ अपनी बात रखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द केजे बर्ड सिंग अबाउट? केजे बर्ड सिंग अबाउट इट्स लिबर्टी, इट्स फ्रीडम, इट्स विश टू बी अ फ्री पर्सन, टू बी टू बी इक्वल, टू हैव इक्वल राइट्स, टू बी एज इक्वल एज अ वाइट स्टार। तो वो फ्रीडम की बात करते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि एक दिन हमारे पास भी ऐसा टाइम आए जब हम भी फ्रीली स्काई में उड़ सकें, हमारे पर कोई बाउंडेशन ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ जो है हमारे लिए भी वैसे ही अच्छा हो जैसा कि वाइट्स के लिए, जैसे कि उनके पास सिचुएशंस है, जैसे कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वैसे ही हमारे पास भी हो। नेक्स्ट, व्हाई डज अ पॉइल कंपेयर्स वॉर टू अ डव? डव जैसे कबूतर की तरह एक बर्ड होता है, और आपको पता होगा कि जो कबूतर है पुराने टाइम में चिट्ठियां लेकर जाया करते थे, उन्हें एग्जैक्ट रेजिडेंस पता होता था, उन्हें पता होता था कि किसी का घर कहाँ पर है, कैसे है, तो वो अपना भी, ये उनकी मास्टरी थी कि घर ढूंढने में वो बहुत ही चैम्पियन थे, उसमें उनकी मास्टरी थी, इसलिए वो वर्ड को डव के साथ कंपेयर करती है। क्यों? क्योंकि डव इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, फ्रीडम और लव, इट इज़ वाइट इन कलर। सेम इज़ द केस विद द पोएटिक प्रोसेस ऑफ द पोएटेस, जैसे उनको अपना घर मिल जाता था, उनको अपना शेल्टर मिल जाता था, उनको रेजिडेंस ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, और वो सिंबल किसके थे? शांति के, शांति के प्रतीक थे। वैसा ही जो पोएटेस है उनको वर्ड्स के साथ फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए, डव के लिए सब कुछ बहुत स्पॉन्टेनियस था, बहुत ही ईजी था, वैसे ही उनका वर्ड्स के साथ रिलेशन है, उनके लिए वर्ड्स लिखना, क्रिएशन लिखना, कोई भी राइटिंग लिखना, ये बहुत स्पॉन्टेनियस है, बहुत ईजिली वो सब कुछ ढूंढ लेती है, और उसमें उसको शांति भी मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, आई नो वाई द केजिट बर्ड सिंग्स, केजिट बर्ड सिंग इज पेंड बाय माया एंजलू, इन दिस द पोएटिस हैज पोर्ट्रेट द एक्सपीरियंस ऑफ बिलोंगिंग टू द अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी, शी हैज़ यूज द केजिट बर्ड एज मेटाफर टू एक्सप्रेस द ओवरवेलमिंग एग्नी ऑफ दिस ऑपरेशन ऑफ द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। She wants to show how her race was treated and that they tried to be free or any race or any person facing discrimination trying to be free. The Kijit bird is a metaphor for those held down, denial basic freedom.
ये सारा इसका सेंट्रल आइडिया है। आप कुछ भी लिख सकते हो कि जो केजेट बर्ड है वो फ्री होना चाहते थे, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहते थे, वो सब कुछ इक्वालिटी चाहते थे।